हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विमरीश यादव। मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूँ। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक या यूपीएससी, तो आप वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस और बहुत सारे एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी एक लाइव क्लास को खरीदेंगे तो आप सारे एजुकेटर्स की वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं vimreesh14, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको PDFs और आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये सारे भी प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इस कोड को यूज़ करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आप जाके खरीदिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासेस आपको वहाँ पे कराई जा रही हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीति कमीशन के बारे में। तो देखिए, नीति आयोग जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं आपको ऐसे ही प्रेजेंट करने वाले पढ़ने जा रहा हूँ, यानी आपको ऐसे ही ना आप कोर्सेज मिलेंगे आपके NTPC के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और मैं आपको अब रेगुलर जो है ना, एक मॉडल पेपर प्रेजेंट करूँगा। कल मैं सिलेबस के साथ आऊँगा, ठीक है। और एक एक चीज़ सिलेबस में टिक करते हुए मैं आपको जो है सीक्वेंस वाइज, सेक्शन वाइज आपको प्रेजेंट करूँगा। पर डे एक वीडियो होगी, कभी करंट अफेयर की, कभी जनरल साइंस की, कभी GK की, कभी मैथ्स की, कभी रीजनिंग की। तो बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, लगे रहिएगा। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपके सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया जाएगा और एक उसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी NTPC एग्ज़ाम टारगेट मिश्रण करके ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखिएगा, आज मैं आपको नीति कमीशन प्रेजेंट करने वाला हूँ, जबकि मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको प्रेजेंट करूँगा। लेकिन नीति कमीशन आपको ऐसे प्रेजेंट करने वाला हूँ, एक तरीके का आपको समझ लीजिए कि एग्जाम्पल होगा कि कैसे कोर्सेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है कि पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग था, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। और ये प्लानिंग कमीशन जो था ना, योजना आयोग था ना, जो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जो आपके आम चुनाव हुए थे 51-52 में, ठीक है। उसी समय जो है ना, 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये जो है आपका योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। और ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में ना इसका कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, योजना आयोग से नीति कमीशन पढ़ा है, तो पहले हम योजना आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद नीति कमीशन पर चढ़ेंगे। तो देखिए, गैर संवैधानिक निकाय यानी आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, यानी संविधान में बिना कहीं पर भी आपका नीति कमीशन का ये जिक्र नहीं है कि ऐसा कोई जो है हमारा एक कमीशन होना चाहिए। जैसे देखिए, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, ये सारे क्या है, हमारे संवैधानिक निकाय, यानी हमारे संविधान में इनका जिक्र है। जैसे निर्वाचन आयोग का 324वें आर्टिकल में है, आर्टिकल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुच्छेद में है, ठीक है। वित्त आयोग का है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये है आपका योजना आयोग। और एक चीज़ और, पहले आपको जो है डिटेल्स देखेंगे और लास्ट में आप इसे रिलेटेड MCQs भी देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो आपका पंचवर्षीय, ये आपका जो योजना आयोग था ना, इसके दो काम होते थे। दो काम क्या थे, पंचवर्षीय योजना बनाना, और दूसरा क्या था, राज्य मंत्रालयों के बीच वित्तीय आवंटन करना, यानी पैसे को बांटना। तो इतना इंपॉर्टेंट काम था जो है आपका योजना आयोग। इसके बाद जब नीति आयोग बनाया गया ना, जब योजना आयोग से नीति आयोग बनाया गया ना, तो इसके ये जो दोनों काम है ना, इनको हटा दिए गए, ठीक है। नीति आयोग में इसके जो दोनों काम है, इनको हटा दिए गए, जबकि इसका जो नीति कमीशन का जो नाम बदला गया, इसका नाम रखा गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी योजना आयोग से बदल के इसका नाम नीति आयोग किया गया। अब देखिए, नीति आयोग से ना आपका पंचवर्षीय योजनाएं भी हटा दी गई। आपको पता है कि लास्ट पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी 12वीं थी, जो कि आपकी 2017 तक चली थी, ठीक है। 2017 में उसको ख़त्म कर दिया गया। और नीति आयोग का जो है ना, ये मंत्रालयों को पैसा भी नहीं बांटता था, यानी किसी भी तरीके का ये जो पैसा है वो मंत्रालयों को नहीं बांटता था। नीति कमीशन के फायदे मैं बताऊंगा और इनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये डिटेल, फिर उसके बाद MCQs, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है ना, वो 1 जनवरी 2015 को हुई। इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। और भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। ये जितनी भी लाइंस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सब आपको क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। और इस आयोग का जो प्राइमरी वर्क था ना, या प्राथमिक कार्य था ना, वो सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि किसी योजना का निर्माण हो सके और जो कि लोगों को हित में हो। यानी लोगों के हित में एक योजना बनाने का जो काम है, यानी सलाह है, वो नीति आयोग का था, नीति कमीशन का काम था। हमारी सरकार को, क्योंकि ये सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, तो उनको सलाह देना। इसमें मैंने बताया आपको कि किसी भी तरीके की पंचवर्षीय योजनाओं का जिक्र नहीं है और ये आवंटन भी नहीं करते थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखिए नीति आयोग को जो है वो दो केंद्रों में बांटा गया है, कौन कौन से, तो एक है टीम इंडिया हब, जिसमें राज्य और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, यानी आपका जो है उनके बीच कम्युनिकेशन बनाना, ये टीम इंडिया हब का काम था। जबकि नॉलेज एंड इनोवेशन हब का क्या काम था, तो नीति आयोग को बेहतर बनाना, ठीक है, दो हब्स में यानी दो केंद्रों में बांटा गया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ, तो देखिए नीति कमीशन जो होता है ना वो भारत सरकार की जो भी उस टाइम की सरकार होती है उसके द्वारा ये कमीशन बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको बता दूँ, तो देखिए में अध्यक्ष होते हैं जो कि पदेन होते हैं, और वो पदेन अध्यक्ष होता कौन है, तो हमारे पीएम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद आपके आते हैं वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वर्तमान की बात कर लें तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार, यानी नीति आयोग के वर्तमान जो है आपके उपाध्यक्ष वो कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। जबकि पहला पूछेगा यानी जब 1 जनवरी 2015 को बनाया गया तब पूछेगा, तो अरविंद पनगड़िया जी ये हमारे पहले नीति आयोग कमीशन के जो हैं आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। नीति कमीशन ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन एज अ डिफरेंट थिंग, नीति कमीशन एज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। नीति कमीशन अलग चीज़ है जबकि प्लानिंग कमीशन आपका अलग चीज़ है, वो योजना आयोग था, ये नीति कमीशन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें सीईओ होते हैं यानी चेयरमैन के नीचे आते हैं आपके सीईओ, ठीक है। वर्तमान में जो कि सीईओ है हमारे वो कौन है, तो अमिताभ कांत जी। जबकि पहले कौन थे, तो वो थे सिंधुश्री खुल्लर, ठीक है। पहले कौन थे, तो वो थे सिंधुश्री खुल्लर जी, वो हमारे जो है वो पहले सीईओ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, तो इसमें पूर्णकालिक मेंबर होते हैं यानी फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जो कि पाँच होते हैं, ठीक है, वर्तमान में जारी हैं लेकिन पाँच होते हैं। जिसमें आपके वर्तमान की बात कर लें तो डॉक्टर रमेश चंद्र जी हैं, बी के जी हैं, उसके अलावा आपके विवेक देवराय जी हैं, ठीक है, आदि लोग जो हैं आपके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ये सीईओ के भी नीचे आते हैं। और कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं यानी पदेन सदस्य होते हैं, और पदेन सदस्य अधिकतम चार हो सकते हैं। पदेन सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। वो चारों कौन कौन से हैं, तो देखिए वर्तमान में राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, उसके अलावा राधा मोहन सिंह जी और सुरेश प्रभु जी, ये चार आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। उसके अलावा नीति आयोग जो है ना वो भारत के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाई जाती है, यानी गवर्निंग काउंसिल जो होती है उसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको पता है कि वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, तो उपराज्यपालों को मिला के बनाया जाता है। देखिए यही फायदा था नीति कमीशन का जो है आपका योजना आयोग की अपेक्षा। देखिए योजना आयोग क्या करता था कि कोई भी जो है वो नियम या फिर कोई जो स्कीम है वो लागू करता था, तो उसको राज्यों को मानना पड़ता था, क्योंकि राज्यों का कम्युनिकेशन जो है वो योजना आयोग से नहीं होता था, उनके बीच जो है डिफरेंसेस थे। जबकि नीति आयोग में क्या किया गया कि मुख्यमंत्री जो है सारे स्टेट्स के, इनको भी मिलाया गया, ठीक है, ताकि कोई भी योजना अगर बनाई जाए ना तो उसमें दोनों लोग की भागीदारी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो करंट के अपडेट्स मैंने बता दिए और पुराने अपडेट्स बता दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नीति आयोग का कार्य क्या है, तो मैंने नीति आयोग का कार्य बताया आपको, ठीक है, जो कि योजना आयोग से अलग है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों का सक्रिय भागीदारी, यानी जो हमारा जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी हो सके। भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना, यानी जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसमें वहाँ का जो सिस्टम है उसको डेवलप करने का काम भी जो है हमारे नीति आयोग का, क्योंकि ये भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी रूप से सलाह भी देगा, और सहयोगपूर्ण संघवाद यानी आपका केंद्र और राज्य दोनों को साथ लेकर चलेगा, यानी फुल फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, ये भी इसका काम है, ठीक है। चले इतनी चीज़ें हो गई, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको थीरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन पे बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो बिल्कुल लाइक करेगा, ठीक है। चले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, मैंने अभी बताया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, चीज़ को ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। जबकि वित्त मंत्री किसके होते हैं, तो ये जीएसटी काउंसिल के, ध्यान रखिएगा, जो जीएसटी परिषद होता है ना उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो वित्त मंत्री आते हैं, ठीक है, होते हैं। देखिए ऑप्शंस में सारे हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। तो देखिए राष्ट्रपति कौन होते हैं, तो आपको पता है तीनों जो सेनाएं हमारे उसके सर्वोच्च सेनापति होते हैं, और उपराष्ट्रपति आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। खैर क्वेश्चन हमको यहां पे जो पूछा गया हम उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अगर प्रथम पूछे कि नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो भी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और वर्तमान पूछे तो भी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग, इसको आयोग कर लीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए मैंने आपको बताया अभी था और ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, जबकि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का हुआ था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया, तो अगर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे कि भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है तो भी नीति आयोग, या फिर योजना आयोग को जिसने परिवर्तित किया तो भी क्या कहेंगे आप? नीति आयोग कहेंगे, यानी नीति कमीशन कहेंगे। और इसका फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, देखिए बताइए नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? मैंने सारे बताए, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं आपके अमिताभ कांत, जबकि पहले पूछेगा, फर्स्ट सीईओ पूछेगा नीति आयोग के, तो वो कौन है? तो वो है सिंधुश्री खुल्लर। अगर पहले पूछता है तो सिंधुश्री खुल्लर जी, जबकि वर्तमान पूछता है तो अमिताभ कांत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो अगर करंट के वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार करंट में आपके वाइस चेयरमैन है, जबकि पहले कौन थे? तो वे अरविंद पनगड़िया जो है आपके पहले चेयरमैन थे, इसके ध्यान रखिएगा। पहले अगर उपाध्यक्ष की बात करूं, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष की बात करूं वाइस चेयरमैन की, तो वो अरविंद पनगड़िया थे, जबकि राजीव महर्षि वर्तमान में बात करें तो क्या आ गया? हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। और के वेणुगोपाल कौन है? तो ये हैं आपके AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वर्तमान की नियुक्ति में इनके भी नाम है, इसलिए बता दिया। खैर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डॉक्टर राजीव कुमार, यानी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग का पूरा नाम, नीति आयोग का पूरा नाम आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया, नेशनल इंडिविजुअल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो मैंने आपको बताया था नीति यानी NITI, और नीति का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015। ये डेट ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको बताया था, ट्री बताई थी, सबसे पहले आपके होते हैं अध्यक्ष, ठीक है, वो जो कि हमारे PM होते हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष जिसको कौन चुनते हैं, तो उनको चुनते हैं PM यानी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग कमीशन था उसका नाम बदल के नीति कमीशन किया गया, यानी नीति आयोग किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, निर्वाचन आयोग बिल्कुल है आपका, मैंने आपको 324वें आर्टिकल में बताया था, वित्त आयोग ये भी आपका संविधान में जिक्र है, ये भी अनुच्छेदों के तहत आता है, लोक सेवा आयोग भी आपका अनुच्छेदों के तहत आता है, ठीक है, जबकि नीति कमीशन जो है ना हमारा एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, इसको ध्यान रखिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है आपका नीति आयोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे कर लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए आपके पास चार हैं, हम शुरू से देखते हैं। इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है, हमने आपको बताया प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया। इसका जो गठन है जनवरी 2015 में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है, यानी 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। यह सहकारी संघवाद पर आधारित है, बिल्कुल सही है, ये आपका जो है सेंट्रल और राज्य दोनों को एक साथ लेके चलता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो फुल टाइम मेंबर्स अध्यक्ष नहीं होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं आपके PM, यानी ये जो है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है, यानी ऑप्शन D इसके लिए सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा। देखिए ये बस एक आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत करना था कि ऐसे ही मैं आपको कोर्सेज लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, ठीक है, जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मिशन NTPC करके, तो अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो पूरा देखिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने भी लोग हैं रेगुलर अब वीडियोज़ पढ़ती रहेंगी, थोड़ा बिजी था, लेकिन अब आपके NTPC मिशन को पूरा किया जाएगा, ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रख के वीडियो आपको प्रेजेंट की जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।